俺たち。 भागने की तो सोचना भी मत, क्योंकि तुम यहां से भाग नहीं पाओगे। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। चिरौटे सिग्नल को भी अभी उड़ना था, कैसे ढूंढे अब? अपने आप को घनी पहलवान समझती है क्या? धोखे से दंगल क्या जीत लिया, तू अपने आप को दंगल की रानी समझने लगी है क्या? अब देखते हैं जिंदगी का असली दंगल। कौन हो तुम और क्या चाहते हो? सुना, मेरी फिक्र छोड़, अपने पति की जान बचा जाकर। बेकार में अपना और मेरा दोनों का टाइम खराब कर रही है। तू जा और अपने पति की जान बचा, उसके पास मात्र आधा घंटा है। वो नहीं बच पाएगा। ओमकारा जी। देख भाई, तूने मुझे बेईमानी से हराया था, पर मैं तुझे आसान मौत दूंगा। दंगल की कसम, इससे नासा भी दर्द नहीं होने दूंगा तुझे। बस बस पहलवान, ज्यादा फड़फड़ा मत। ये जो तू देख रहा है ना, देख इधर देख, ये जो जहरीली गैस है ना, जैसे ही तेरे अंदर जाएगी ना, तेरी मौत तेरे सामने। तू सीधा होगा, तुझे पता भी नहीं चलेगा कि तेरी मौत कितनी आसान थी। चैलेंज का वो शौक है ना तुझे, अब देता हूँ तुझे एक और चैलेंज। और हाँ, ये तेरा आखिरी चैलेंज होगा। 20 मिनट है तेरे पास, इन 20 मिनट में तेरी एकड़ बीबी तुझे को ढूंढ ली ना, तो तू बच जाएगा, नहीं तो तू गया। तूने अपनी बीबी की मदद से ना पूरे गांव के सामने हमारी बेइज्जती की थी। अब देखते हैं तेरी बीबी तेरी जान बचाने में तेरी मदद करती है कि नहीं। ये है मेरा। ये तेरा होगा। Thank you.
कैसा फड़फड़ा रहा है। मरने के पहले सब ऐसे ही फड़फड़ाते हैं। आवाज कहां से आ रही? जरूर होकर अजीब ही होंगे। अगर हम अंदर गए तो ये लोग हमें पकड़ लेंगे। कुछ और सोचना पड़ेगा। लो भाई, हमने तो तुम दोनों को पूरा पूरा मौका दिया था, पर तेरे भी बचाने का छोड़ तुझे ढूंढने भी नहीं है। मेरे दद्दू दोनों को सिर्फ पार्वती बोलते रहे, ना तो ये शिव है और ना ही वो पार्वती मैया। वो तो डर के भाग गई होगी। भागते वो जो डरते हैं। अरे हम एक मूर्ति छोड़कर नहीं भागे तो अपने पति को छोड़ के कैसे भागेंगे? चलो अच्छा हुआ तुम भी आ गई। अब पति के साथ इसको भी ठिकाने लगा देते हैं। चलो पकड़ो इसको।